राखी भाई संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगने के बाद मुसीबतों में फंसी निशा रावल। लखनऊ से दंदनाती मुंबई पहुंची राजीव साथिया की बीवी। घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। निशा और राजीव के अफेयर की खबरें सुन निधि ने भी किया जमकर हंगामा। याद है आपको 4 अगस्त की शाम टीवी एक्टर करण मेहरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी पत्नी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के संगीन आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी। करण के मुताबिक उनकी बीवी निशा का चक्कर उन्हीं के राखी भाई रोहित साठिया के साथ चल रहा है। वो शख्स पिछले 1.5 साल से निशा रावल के साथ उन्हीं के फ्लैट में रह रहा है और अब इस फैमिली ड्रामा में हो गई है एक नई एंट्री। जी हाँ, पति पत्नी और वो वाले इस हाई वोल्टेज ड्रामा से चौथा किरदार भी जुड़ गया है और वो कोई और नहीं बल्कि रोहित साठिया की पत्नी निधि है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही करण ने अपनी बीवी निशा रावल पर मुंह भोले भाई रोहित साठिया संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए, वैसे ही रोहित साठिया के घर में भी भूचाल आ गया। पति के इस अफेयर की खबर मिलते ही रोहित की पत्नी निधि लखनऊ से दंदनाती हुई मुंबई आ पहुंची और सीधा निशा से जा भिड़ी। बताया जा रहा है कि निशा और निधि के बीच काफी देर तक जमकर बहसबाजी होती रही। निधि निशा रावल की कोई भी बात या दलील सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसा भी बताया जा रहा है कि निधि और रोहित साठिया का रिश्ता भी कुछ ठीक नहीं है। वो दोनों साथ में ज्यादा खुश नहीं है। जब निधि ने करण मेहरा के सभी आरोपों को सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाई और फौरन मुंबई आ गई। उन्होंने पति संग अफेयर पर उनसे आमने सामने बात की। इस कहानी में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है और वो ये है कि रोहित साठिया बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर के पिता राजेश खट्टर के चचेरे भाई हैं, यानी कि रिश्ते में राजीव साठिया ईशान खट्टर के कजिन अंकल लगते हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त निधि निशा रावल से बातचीत करने के लिए उनके घर पहुंची थी उस वक्त वहां राजेश खट्टर और उनकी बीवी भी मौजूद थे। राजेश खट्टर ने रोहित को समझाने बुझाने की काफी कोशिश की थी। हालांकि इस बहसबाजी का नतीजा क्या निकला ये फिलहाल पता नहीं है। बहरहाल निशा रावल और करण मेहरा के फैमिली ड्रामा में जो नया ट्विस्ट आया है उसने इस पूरे मामले को बेहद पेचीदा बना दिया है। आपको याद दिला दें कि बीते हफ्ते ही करण ने कई शॉकिंग इल्जाम अपनी बीवी निशा रावल और उनके भाई रोहित साठिया पर लगाए थे। करण के मुताबिक रोहित के साथ मिलकर ही पत्नी निशा ने उन्हें गलत इल्जामों में फंसाया है। वो पिछले 1.5 साल से अपने ही घर में नहीं जा पाए हैं। उन्होंने 1.5 साल से अपने बेटे काविश के साथ मुलाकात भी नहीं की है। सिर्फ नवंबर में उन्होंने अपने बेटे की एक झलक देखी थी। करण ने बताया था कि उन्हें अनजान नंबर से जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण ने यह जानकारी भी दी थी कि उन्होंने निशा के खिलाफ काउंटर डिवोर्स केस फाइल किया है और निशा के दोस्तों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। वो पिछले 14 महीने से निशा और रोहित के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे थे ताकि सबूतों के साथ निशा और रोहित के झूठ को एक्सपोज कर खुद को बेगुनाह साबित कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट E24।